जय हिंद किसान साथियों, हमारे YouTube चैनल भारतीय खेती पर आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो है ये पावर वीडर जो आपके गन्ने की फसल अन्य किसी और फसल के जुताई के जो बीच में जुताई करने का काम आता है आज उसके ऊपर वीडियो रहने वाली है। तो किसान साथियों, ये है अशोका, बेस्ट अशोका इम्प्लीमेंट कंपनी का बना हुआ पावर वीडर। अगर इसकी बात करें हम मेनली समय समय चौड़ाई की बात होती है, पहियों की अगर इसकी चौड़ाई की बात करें ना तो वो है आपके 18 इंच, यानी पहियों के बीच का गैप जो है वो मात्र 18 इंच का है। और पीछे इसका जो बीटर यानी रोटर सिस्टम है उसकी बात करें तो आपको वो जो गैप मिलेगा यानी कि चौड़ाई जो है इसकी वो यहाँ पर आप देखेंगे तो 21 इंच पे मिलेगी। यहाँ 21 इंच पे यहाँ आपको मिल जाएगी। इसके जो ब्लेड हैं ये 16 ब्लेड इसमें लगे हुए हैं। रोटर सिस्टम है इसका, जो रोटर सिस्टम है इसमें 16 ब्लेड के साथ आता है। बहुत ही अच्छा यंत्र है ये। जो अब समय आप इस समय गन्ने की फसल का काम चल रहा है उसके बीच में अगर हम साधारण गन्ना बोते हैं जो 26 इंच हो गया आपका, 30 हो गया, 28 हो गया, कुछ 24 भी बोते हैं तो वो ज़्यादा निकल जाता है। उसमें आप इसको एक फेरा निकाल दीजिए सिंपल तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, एक फेरा बिल्कुल अच्छा कर देगा। अगर आप ट्रांसमिटी का गन्ना बोते हैं तो आप इसको दो बार घुमा दीजिए उसमें, उसके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। अगर बात करें इसके इंजन की तो इंजन जो आपका वो भी अशोका का इसका इंजन है। यहाँ आपको इसको लोगो देख सकते हैं, देखिए बेस्ट अशोका इम्प्लीमेंट 6 HP में इसका इंजन है। पहले इसमें एक शिकायत आती थी, मैक्सिमम जो किसान है वो इनसे शिकायत रखते थे कि सर इसमें ना मेंटेनेंस ज़्यादा आ रहा है, इसका एयर फिल्टर जो एकदम चौक हो रहा है। तो उसमें क्या प्रॉब्लम थी उसको मैं आपको समझाता हूँ। एयर फिल्टर में जो प्रॉब्लम थी, पहले एयर फिल्टर इनका यहाँ दे दिया, अब ये देखिए एयर फिल्टर हो गया ये, ठीक है। पहले ये एयर फिल्टर नीचे आता था, जब नीचे आता था रोटर जब चलता था ये वीडर रोटर वीडर चलता था जब ये, तो धूल उठती है जाहिर सी बात है, तो धूल इसको ऑब्जॉर्ब करता था। ये ऑब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ पर ये चौक होता था, तो उसके बाद मेंटेनेंस बढ़ गया था इसका। तो इन्होंने दिमाग लगाया, सोका वालों ने दिमाग लगा कि इसको ना अब ऊपर कर दिया ज़मीन से, लगभग तीन फिट तो होगा, जो भी 3-3.5, ये इतने ऊपर कर दिया है। तो इससे ये फ़ायदा हो गया है कि अब ये ऊपर आ गया तो धूल धानी थोड़ा कम ऑब्जॉर्ब कर रहा है पर उतना नहीं है, तो मेंटेनेंस घट गया है इसका। जो पहले बहुत ज़्यादा था उसके मुकाबले मेंटेनेंस बहुत घट गया है इसका। और बात करें अगर इसकी हम खपत की, डीजल खपत की, तो ये एक घंटे में 600 ग्राम लगभग तेल लेता है। वो थोड़ा वो जुताई पर निर्भर करता है कि आप थोड़ा नीचे चलाओगे तो थोड़ा ज़्यादा ले लेगा, वो ऊपर चलाओगे थोड़ा कम ले लेगा। तो एवरेज एक लगाएं तो 600 ग्राम पर घंटा लेता है। और एक घंटे में जुताई कितनी कर देगा, जुताई आपके लगभग एक घंटे में 3 बीघा ये निकाल देता है। बेसिकली 3 बीघा में आपको यहाँ से अच्छी जुताई दे देता है एक घंटे में। और बात करें इसकी टायर की, और टायर में देखो एक सिस्टम और बढ़िया है। अगर आपको काम ने काम रोक दिया है तो ये आप ऐसे कीजिए इसको, ये लॉक ये अंदर चला जाएगा, ये अब हिलेगा भी नहीं यहाँ से, बिल्कुल नहीं हिलेगा। अब आपको चलाना है तो इसको खींचिए और यहाँ पर इसको खींच के इधर कर दीजिए, यानी अनलॉक हो गया आप टायर इसके, अनलॉक हो गया, ये चलना स्टार्ट हो जाएगा। घुमा के फिट करेंगे तो लॉक हो जाएगा फिर से। अब बात करें इसके टायर की, तो टायर 480x4, यानी कि 480x4 यानी छोटे टायर हैं ये। इसका कोई रूल है, ये इसका नाम है ये बाई में 480x4, तो हिसाब से दिया है मैंने। इसके इंजन के बारे में आपको बता ही दिया है। 16 ब्लेड में इसका रोटर सिस्टम जो पीछे बीटर आता है वो आता है। हैंड कंट्रोलर है सारा जो है हैंड कंट्रोलर है। टोटल चीज़ जो है इसकी अशोका द्वारा ही मैन्युफैक्चर हुई है, ये नहीं कि बाहर से कुछ आ गया, सब अशोका ने ही अपना इस मैन्युफैक्चर करके अपना ही मॉडल तैयार किया है। यहाँ पर इसका एक अनलॉक सिस्टम, वर्किंग यानी वर्किंग में और अनलॉक, यहाँ दोनों सिस्टम इसमें आ दिए हुए हैं नीचे। यहाँ इसमें हाई लो का सिस्टम, यहाँ आपका हाई हो जाएगा, यहाँ आपका लो हो जाएगा, ठीक है। ये आपका गियर सिस्टम होते हैं यहाँ पर, ये मैंने तो कभी चलाया नहीं है अभी ये, बट ये ना इसका रिजल्ट अब जो लोग बता रहे हैं, जैसे अभी मेंटेनेंस वाला सिस्टम था, अभी नया सिस्टम करते हो तो मेंटेनेंस का कम हो गया। अब ये इसका हो गया यहाँ पर आपका स्टार्ट करने का सिस्टम, ठीक है। और किसान साथियों, ये जो है बेस्ट अशोका इम्प्लीमेंट जो है आपका, ये सब जो बेस्ट अशोका इम्प्लीमेंट वीडियो बनाता रहता हूँ, ये सारे इम्प्लीमेंट जो मैन्युफैक्चर होते हैं ये मंडी धनोरा जो है ज़िला अमरोहा उत्तर प्रदेश में यहाँ मैन्युफैक्चर होते हैं। और काफ़ी अच्छा यहाँ का रिजल्ट है। किसान साथी बहुत दूर दूर से यहाँ पर इम्प्लीमेंट लेने आते हैं तो उनसे भी बात होती रहती है, बोलते हैं कि हाँ बहुत दूर से आते हैं, बोलते हैं कि भाई यहाँ से लेकर जाते हैं कि बहुत बढ़िया यहाँ का रिजल्ट है। तो किसान साथियों, आप इसको ले सकते हैं, गन्ना जुताई के लिए बहुत बढ़िया है। और भी जो किसी चीज़ को जैसे आपने बीच में कोई वो रखा है उसके लिए बहुत बढ़िया है। और मैं आपको नंबर बोल देता हूँ उनका, 94-12-63-63-70। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से शेयर कीजिए। नमस्कार।